राम राम जी सारे ने, मैं हूं थारी गेल कुलदीप के और थारा सबका स्वागत है द चर्चा 24 में। चर्चा किस बात की है? आज पानीपत के हम बिग बाजार बोला जाता है और वहां पर खड़े हैं और उसके अंदर एक ऑडिशन चल रहे हैं। ऑडिशन किस चीज चल रहे हैं आप पीछे देख सकते हो, मिस एंड मिसेज इंडिया ताज ऑफ कोहिनूर तो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने का जो कारण है वो सभी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है नीरू मैडम। मैडम जी, वो जो प्रोग्राम किया गया है क्या समझ के किया गया था, क्यों प्रोग्राम किया गया है? हम हर साल लेडीज़ के लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जी। जैसे अगर कोई लेडीज़ है और उसको अच्छा लगता है कि कहीं जाके परफॉर्म करना, प्रेजेंटेशन दिखाना जी जी। तो हम लेडीज़ को ऐसा स्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, पर एक्चुअली होमली नेचर होता है, होमली ही हम इन्वायरमेंट देते हैं। ये नहीं है कि हम कोई इवेंट करा रहे हैं और कोई प्रेजेंटेबल है, कोई प्रोफेशनल इवेंट है, बट उनको ऐसा एटमोसफेयर ज़रूर दिया जाता है कि उनको फीलिंग आए कि कुछ प्रमोशनल हो रहा है, कुछ इंटरनेशनली लेवल तक भी हम इवेंट जो हमारे होते हैं वो शोकेस किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैडम आपने कितने साल हो गए करवाते हुए? मैंने देखा कि ना जो पुराने भी आपके जो यहाँ पर जीत के गए हैं वे आए हुए हैं, नए भी आए हुए हैं, तो कितने साल हो गए आपने करवाते? मैंने 2017 से स्टार्ट किया था टैलेंट हंट फॉर किड्स, उसके बाद फिर मैंने आज तक अभी तक तो स्टॉप नहीं आया। आई थिंक सो कि आना भी नहीं चाहिए लाइफ में। जी जी बिल्कुल। हम भी आपके साथ मैडम, हम उनसे मिलना चाहेंगे जो पुराने जहाँ से जीत के गए हैं, जो यहाँ से एक मुकाम हासिल करके गए, उनसे मिलना चाहेंगे हम। एक बार रिक्वेस्ट आपसे, आप एक बार हमें मिलाएं। तो सोनाली मैम प्लीज खड़े हो जाओ। हाँ जी, सोनाली मैम आप यहाँ से जीत के गए हो? हाँ जी बिल्कुल। इधर फेस कर लो मैम थोड़ा सा। हाँ जी। तो पहली बार जब आप यहाँ आए थे आपको क्या नया लगा और कितना यहाँ से आप मतलब हौसला बना के गए हो आगे? सबसे पहले मैं नीरू मैम और संदीप सर का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके। सबसे पहली बात कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है और आपको इतने सारे अलग अलग लोगों से आपका मिलना होता है, आप हर पर्सन से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख कर जाते हैं। तो एज अ विनर मैंने इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शायद कि मैं जो डिस्क्राइब कर सकूँ। इस प्लेटफॉर्म ने हमें जो सक्सेस, फेम और एक फैमिली की तरह जो है, नीरू मैम सब कंटेस्टेंट्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं एंड दैट इज रियली अ वेरी वंडरफुल थिंग। एंड मैं जो अब पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि वो बहुत सही जगह आए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जाइए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। मेरी सभी कंटेस्टेंट्स के लिए यही बेस्ट विशेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने के लिए आया, फिर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, उनका हौसला देख सकते हो आप बोलने का। मैं भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ क्योंकि इतनी सारी ड्यूटी देख के थोड़ा घबरा ही जाते हैं। तो हमारे साथ सविता मैम है, सविता मैम से पहले बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सविता मैम को मैं जहाँ भी देखता हूँ, हमारी बड़ी बहन है, वो अलग प्रोग्राम में मिलती है तो यहाँ एक अलग तरह का प्रोग्राम है। बहन जी यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहन जी थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप हमेशा मैंने देखा कि ना आप सामाजिक कार्यों में पहुँचते हो, तो आप इस यहाँ पे कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, दिमाग सा घूम गया मेरा तो। क्यों आप मतलब खूबसूरत महिला के साथ नहीं बैठ सकती, पुरुष पुरुषों के साथ बैठ सकते हैं। हाँ एक बात बताई, इतनी खूबसूरत महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो उनके साथ जब मैं आके बैठी हूँ तो तुझे अच्छा नहीं लगा? 24 घंटे उनमें ही बैठूँ क्या? थाने में, तहसील में, उसमें उसमें वो ना, 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 मैं बताना चाहूंगा, अच्छी जगह बैठना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बेटिया की बात कराए या फिर किसी परिवार के साथ कुछ गलत हो तो बहन जी जरूर आके मिलती है हमें। तो बहन जी कैसा लगा आज नीरू मैडम ने इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया है? ये पिछले 3-4 साल से है ना नीरू ये कार्यक्रम करती आ रही है कि जो महिलाएं हैं उनको एक ये एक प्रतिभा को निखारने का एक मंच है ये। जी जी। कई बार क्या होता है कि जब बेटियां की शादी हो जाती हैं और जो उनकी प्रतिभा है वो
अपनी नहीं दिखा पाती, उनकी कला वो दब के रह जाती है। तो नीरू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये दिया है महिलाओं को कि जो उनकी छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको निखारने का जो मौका है वो यहाँ मिलता है। और कई बार क्या होता है कि जो लड़कियाँ जो बड़े बड़े शहरों में, ये दिल्ली बम्बे उन शहरों में होते थे, तो नीरू ने ये पानीपत में एक मतलब ये लेके आई है पिछले 3 साल से। और यहाँ भी मिस एंड मिसिज, तो आपने भी सुना होगा कि बम्बे और कलकत्ते जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में वहाँ पे ये चीज़ें थी, लेकिन हमारे पानीपत भी इसका मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। तो नीरू ने ये एक ऐसा मौका दिया कि कई बार क्या पानीपत है कि करनाल की, सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, मतलब ये लड़कियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं इनको बधाई देती हूँ नीरू को जी, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा इसके साथ हैं। और इसके हर प्रोग्राम में मैं आती हूँ, क्योंकि जब महिलाओं के लिए जब हम काम करते हैं तो जब महिला आगे बढ़ती है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और मेरी बेटियां जब कुछ अच्छा करती हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारे को देख के इनका भी कुछ हौसला बने, जो ये चुप चुप सी रहती हैं थोड़ी खुल के ये भी सामने आए और हम इनसे कुछ नया सीखते हैं कि इनके टाइम में हमने ये क्यों नहीं किया। हमने या 24 घंटे समाज का हम कार्य करते, बेटियों का करते, लेकिन मैं हम खिल हंसते हुए बेटियों को भी देखना चाहती हूँ जी। हमेशा हम दुखी बेटियों को देखते हैं, हमारे पास वो आती हैं, जब वो दुखी होकर आती है हम उसको हंसते हुए वापस भेजते हैं, जब उनका कोई भी, तो ऐसे ही ये बेटियां ये हंसते हुए अपनी कोई डांस कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो अच्छा लगता है मुझे देख के, तो थोड़ा सा मनोरंजन मैं भी कर लेती हूं। जी बस और कुछ नहीं है, इतना सा है। और ये मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं आयोजक नीरू को और संदीप को कि ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ हैं और हमेशा ही मेरी बेटियों को एक मौका दें और मैं हमेशा इनके साथ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं बहन जी का थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहा था, बैठ बहन जी कह रही थी कि ना हमारी जो बहनें हैं, जो नारी है, वो किसी से कम नहीं है। सच्चाई बात है, मैं बताना चाहूँगा, अगर हम बाइक चला सकते हैं तो बाइक महिलाएं भी चला सकती है, बहनें भी चलाती है, चलाती भी है, जहाज बहनें भी चलाती है, पायलट जो है बहनें भी है। तो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज है ये कि ना जो लड़कियां हैं किसी से कम नहीं है। मैं औरों से बात करने की कोशिश करूंगा, जो जजेस थे यहां पर उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ना उनमें इतना हौसला कहां से आता है। मैं मैडम की बात सुन रहा था, जो बात करने का तरीका है जबरदस्त, ओसम। मैडम थोड़ा सीजन का दे दो, बस थोड़ी सी। यहीं से आपने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर आप जज हो? नहीं किया यहाँ से। अच्छा, सॉरी किया जी। शी वाज अ पार्टिसिपेंट हियर जी। एंड नीरू और मैं काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जी। और मैं काफी टीवी से कमर्शियल एड्स करती हूँ जी जी। मेरे काफी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, काफी ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हूँ मैं। और इसके अलावा प्रिंट शूट मीडिया में काफ़ी फेमस हूँ। तो नीरू, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल कॉज, जो दिल्ली से यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। शी नोज कि आई यूजुअली आई डोंट गो आउट ऑफ स्टेशन, मैं अवॉइड करती हूँ, बट नीरू को मैं ना कभी नहीं कह सकती, बिकॉज उसका जो एक तरीका है पेजेंट को एक वेमेन एम्पावरमेंट इनक्रेज करने के लिए, जो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वो मेरे दिल को बहुत छूता है। और मुझे लगता है कि वी ऑल बीइंग फीमेल, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि कहाँ से, बिकॉज आई हैव सीन ऑल दिस फीमेल 2 years back और आज मैं देख रही हूँ तो दे हैव ऑल ग्रूम्ड अप। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पर ग्रूमिंग भी की थी इन सब की, तो आज में और उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई एम जस्ट विशिंग अ वेरी गुड लक टू नीरू, टू संदीप जी एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल फीमेल, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। जी उस टाइम पर कंटेस्टेंट थी जी, जिस टाइम पर मैं ज्यूरी थी, और आप देख सकते हैं आज शी इज सिटिंग विद मी। सो आई जस्ट फील प्राइड एंड ऑनर दैट शी इज शेयरिंग दिस ज्यूरी प्लेटफॉर्म। जी जी बिल्कुल। मैम आपने यहाँ से पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे जब जीत के भी गए, तो कैसे लगता है? देखो कई बार ये होता है, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़े हो और उस स्कूल में आप जाके कभी प्रिंसिपल लग जाए, बड़ा अलग ही अनुभव होता है। तो यह कैसे आपने अनुभव प्राप्त करते हो यहाँ पे आके, आपने इतना अच्छा मौका हासिल किया और आप यहाँ पे जज के रूप में बैठे हो? मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी कि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है दैट इज़ देर इज़ नो पार्शियलिटी। मैं करनाल से हूँ और इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं की कि पानीपत के पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम उन्हीं को कुछ ऑनर दें। आई एम फ्रॉम करनाल एंड आई एम द विनर ऑफ मिस नॉर्थ इंडिया 2019 और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मतलब इन्हांस किया है, मैम ने मुझे ग्रूमिंग दी है एंड नाउ यू कैन सी आई एम सिटिंग है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आते हो और आपको इतनी ग्रूमिंग, इतने बड़े बड़े लोग आके आपको एनहांस करते हैं और उसके बाद आपका जो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है। जी, जी, जी। और यही एक जरिया है जिससे आई थिंक गर्ल्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकती हैं एंड दे कैन कम मोर एंड ज्वाइन दिस। जी जी। तो बस, आज के प्रोग्राम को देख के आज का कैसी यहाँ पर वातावरण था और क्या आज के प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आई एम जस्ट स्टन टू सी सच अ टैलेंट एंड एज वाइज अगर मैं देखूँ तो एज वाइज इतनी ज़्यादा टैलेंट है लेडीज़ में, बहुत ज़्यादा, इवन कि मोर देन यंगर्स आई कैन से, जो एज्ड वुमेन्स हैं उनका बहुत
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा टैलेंट मैंने देखा, इट्स फ्लॉलेस, जी जी बहुत ही अच्छा, मतलब दे आर जस्ट डूइंग वेरी गुड जॉब है। जी जी बिल्कुल, देखो टैलेंट की तो हरियाणा में कमी है नहीं। आप सभी ने नाम सुना होगा मानुषी छिल्लर, जो मिस इंडिया रह चुकी है, वो भी हरियाणा की बेटी थी। तो हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है, आप किसी में लगा लो, खेला में लगा लो, या फिर आप रेल चलाने में, जहाज चलाने में, सब में हरियाणा की लड़कियाँ, हरियाणा की बेटियाँ जरूर पाती है। तो मैम आ जाओ, आप भी आ जाओ प्लीज़। मैम एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में मैम प्लीज़। मैं रितु हूँ, मैंने मिसेज नॉर्थ इंडिया सेकेंड रनर अप विन किया था जी, और मैं पानीपत से ही हूँ जी। मैम आज का जो प्रोग्राम नीरू मैम ने किया गया है उसके बारे में दो शब्द। ये प्रोग्राम तो लाइक हर साल ही होते हैं, और स्पेशली मिसेस जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो लाइफ होती है एक्चुअली टोटली अराउंड फैमिली और किड्स के लिए होती है, तो वो अपने लिए लाइक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जी। तो मेरे को लगता है ये एक बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसको आप अपना टैलेंट जो है वहाँ शोकेस कर सकते हो और अपने आप को आप कॉन्फिडेंस करा सकते हो जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भी आ जाओ मैम, आप भी आ जाओ, क्योंकि मैं सबसे ही बात करना चाहूँगा जी, जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे या फिर अब जो थे जी। आपने कब पार्टिसिपेट किया था? मैं मिसेज नॉर्थ इंडिया 2019 तियारा द क्राउन ने ऑर्गेनाइज किया था 2019 में, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है जहाँ पर ऑडिशंस हैं इस साल 2021 के मिस एंड मिसेज इंडिया ताज ऑफ कोहिनूर। और मैं बता देना चाहती हूँ सभी कंटेस्टेंट को भी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पानीपत जैसे सिटी के अंदर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी ग्रूमिंग होने वाली है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और लेट मी टेल यू कॉन्फिडेंस, ये टैलेंट, ये सब तो है सबके अंदर जो हिडन है जो कि आप यहाँ पर शोकेस करेंगे, लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस एक होती है ना, इंटरनल अंदर से वो खुशी हाँ मैं भी कुछ हूँ, है ना, हम लेडीज ये सोचती कि मुझे कुछ करना है, तो एक्चुअल में दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे कुछ करना है। सो ये मेमोरीज बन जाएंगी आप सभी की, ये मेमोरीज होंगी, ये फोटोज इतनी सारी हो रही हैं, आपके पोजेस की फोटो हो रही हैं, आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आपको जो मिल रही हैं वो मेमोरीज हो जाएंगी और आप हमेशा याद रखेंगे उसको। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आप देख सकते हो जो मान सम्मान किया जा रहा है बहनों का और महिलाओं का, मैं औरों से बात करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर छोटी छोटी जो बहनें हैं बैठी हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। आप खड़े हो जाओ प्लीज़, आ जाओ इधर आ जाओ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर, मैं प्रोग्राम सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, मेरे को यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है और 1.5 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ दिल ऐसा लग गया, क्योंकि जो भारत की ब्यूटी है, जो वर्ल्ड की ब्यूटी है, वो यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम में पहली बार पार्टिसिपेट किया? जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अपने, मतलब पहली बार स्टेज पे कुछ बोला है तो और अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल, एक बार ना अपनी एज और बता दो, क्योंकि ना मेकअप से ना कुछ पता नहीं लगता, ताकि जो हमारी बहन है, जो छोटी बहन है जो इस वीडियो को देख रही है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो। मैं 16 ईयर्स की हूँ। तो ये सोचने का विषय है, तो मेरी जो बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी आगे आओ, क्योंकि बहनों से ही देश चलता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, महिलाओं से देश चलता है, नारी से देश चलता है, नारी तू नारायणी, ये सच्चाई बात है। जो ये जो सविता बहन जी की जो एक संस्था है नारी तू नारायणी, नारी सच में नारायणी है। तो आप भी आ जाओ प्लीज़, आप भी आ जाओ, वहीं आना पड़ेगा, आ जाओ आप भी जी प्लीज़। हाँ तो क्या नाम है आपका? शगुन मलिक। तो आप कहाँ से हो, मतलब स्कूल? मंदिर आप यहाँ पर आके कैसा लगा आपको ये जो प्रोग्राम? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लाइक वेरी वेरी लविंग प्लेटफॉर्म, लाइक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी जो हमारा जो हिडन टैलेंट है हम उसको और ज़्यादा फ्लॉलेसली शो कर सके जी। तो ये मतलब ये हर साल होना चाहिए प्रोग्राम? हाँ होना तो नेक्स्ट बार आप आओगे यहाँ पे? इट डिपेंड अपॉन माय दिस टाइम्स एक्सपीरियंस जी, सभी कुछ कह नहीं सकते, बट आई जस्ट एंजॉयड दिस डे एंड इट्स रियली रियली मेमोरेबल फॉर मी, सो आई जस्ट एंजॉयड, बट डिपेंड करता है आगे का पता नहीं। जी जी आज क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल थैंक यू मैम, आ जाओ बहन आप भी आ जाओ। नहीं चलो कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर जो दर्शक हमारे भी अभी देख के थोड़ा सा सोचते भी नहीं ज़्यादा लंबी हो गया जी। प्लीज़ मैम आप आ जाओ, आज पा जाओ जी मैम भी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ।
तो मैम आप पहली बार यहाँ पर आए पार्टिसिपेट? हाँ जी बिल्कुल, मैं पहली बार आई हूँ, बल्कि लाइफ में मैंने ऐसा कॉन्टेस्ट है वो पहली बार ऐसा आई हूँ लाइफ। तो हौसला कहाँ से मिला मैम, आप बोल रहे हो पहली बार किया? हौसला तो ऐसा था जैसे नीरू जी ने हमें जोड़ा, इसमें एक ग्रुप बना और नीरू जी की बदौलत ही हमें एक मोटिवेशन मिला। फिर मैंने एक जैसे अपने वेल विशर्स हैं उन सब ने कहा नहीं दीदी आप जाओ, नहीं भाभी आप जाओ, नहीं जो मेरी फ्रेंड्स हैं नहीं आप जाओ, आप विन करोगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि अच्छा लग रहा है कुल मिला जी। मैम मैंने ना दो तीन चीज नोटिस की, हालांकि मैं भी थोड़ा सा इन चीजों में हूँ, थोड़ा आर्टिस्ट लाइन में हूँ, तो एक तो एक गुड़िया वो बैठी है, एक आप, आप लोगों का जो डांस था आपकी ड्रेस के हिसाब से था, मैंने ये नोटिस किया। तो थैंक यू मैम। तो प्लीज मैम आप बताओ, मतलब आप यहाँ पर पहुंचे हो इस प्रोग्राम के बारे में, और जो बहनों के अंदर, महिलाओं के अंदर, नारियों के अंदर जो एक हौसला पैदा करने के लिए जो प्रोग्राम किया गया है, कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ये जो लेडीज़ के लिए किया गया, मतलब छोटी बच्चियों को भी लिया गया जो बहुत कम एज की हैं, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी से, और जैसे मिसेस क्लासी को चुना गया तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको भी टैलेंट शो करने का मौका मिला। हालांकि मैं पूरी कम्प्लीटली जो हूँ टीचिंग लाइन से रिलेटेड हूँ, बट मैं यहाँ पर हूँ तो नारी तो नारायणी उत्थान समिति की वजह से भी हूँ। रीज़न ये है कि पहला अवार्ड जो मुझे मिला था वहीं से ही मिला था, एज अ बेस्ट टीचर का, उनकी तरफ से ही मिला था, सविता आर्या की तरफ से। बहुत साल पहले मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है और उसके बाद ही मैंने नीरू जी को जाना, और ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत तरीके से मैंने अपना टैलेंट शो किया है, लेकिन एज ए ब्यूटी क्वीन की तरह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो नेक्स्ट बार भी आप आओगे यहाँ पे? डेफिनेटली, इस प्लेटफॉर्म को तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेडीज से रिलेटेड है और मैं जो हूँ लेडीज से, वुमेन से बहुत ज्यादा टच्ड हूँ, और मुझे गर्ल्स से बहुत ज्यादा प्यार है। जब मैं इन लड़कियों को बार बार देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मुझे गर्ल्स बहुत पसंद है। हालांकि मेरा खुद के बेबी गर्ल नहीं है, मुझे बेबी बॉय है, और इसीलिए हर डॉटर, जितनी भी डॉटर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ही मेरी खुद की डॉटर्स हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चियों से। जी जी, बहुत 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 थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं नीरू मैम से बात करने, आ जाओ मैम, आप भी आ जाओ। आपको कैसा लगा मैम? मैम आपका डांस भी बड़ा अच्छा था, देखिए जी। हाँ, तो आपको कैसा लगा आज के प्रोग्राम में? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बेसिकली ये सारा प्लेटफॉर्म एक नीरू मैम ने हमें प्रोवाइड कराया है, उसकी उन्हीं की वजह से हम आज अपना टैलेंट, हिडन टैलेंट सबको दिखा पा रहे हैं। एंड आई थिंक तियारा इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। सो दैट सारी गर्ल्स, ऑल द लेडीज मोटिवेट होती हैं और अपना परफॉर्मेंस यहाँ देती हैं। जो हिडन टैलेंट वो वहाँ नहीं, अपने घर पे नहीं शो कर पाते, दे कैन कम हियर एंड दे कैन परफॉर्म एंड दे कैन विन ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म नीरू मैम हैज प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ अस, थैंक यू। तो मैम आपका डांस बड़ा जोशीला था। सबसे बड़ी बात तो ना महिलाओं का, ना महिलाओं का जब शादी के बाद घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये कैसे मैनेज करते हो आप? आप यहाँ पे भी आए हो, घर का भी काम होता होगा, उसके लिए हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, एंड फिर बच्चे भी अब इतने समझदार और बड़े हो जाते हैं कि मतलब हस्बैंड के साथ और इतना मिंगल अप हो जाते हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर पाते हो। सबसे बड़ा सपोर्ट तो फैमिली और हस्बैंड का होता है। प्लीज, और थैंक्स टू नीरू मैम आल्सो फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड आल्सो हु मोटिवेटेड मी, एंड यस थैंक्स टू प्रियंका आल्सो जस्ट बिकॉज़ इसने ऑफलाइन ऑनलाइन लास्ट ईयर इसने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वाज अ फैशन क्वीन 2020, पर्सन उसने मुझे मोटिवेट किया कि एक बार जाने में क्या है यार, मजा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हां बिकॉज़ लास्ट टाइम ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हुए थे, ऑफलाइन नहीं हुए थे, आज तो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुए थे, एंड ड्यू टू कोविड हम लोग घर में परफॉर्म कर रहे थे, तो आई वाज द फैशन क्वीन 2020 लास्ट ईयर। जी जी थैंक यू मैम। मैम एक डिफरेंट देखा मैंने, सभी यहाँ पे डांस कर रहे थे, कोई सिंगिंग कर रहा था, आप खाना बना के लेके आए, आप खीर बना के लेके आए, ऐसा क्यों? होना चाहिए ना, सबने डांस किया, सिंगिंग है, पोइट्री है, सबने कुछ ना कुछ बोला, तो इस वजह से मेरे को कुकिंग का शौक है, तो मैं इसलिए खीर बना के लेके आई हूँ, जो कि जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जी जी, और मैंने अभी ऑनलाइन मतलब पार्टिसिपेट किया था जिसमें सेकेंड रनर आई है, मुझे क्राउन्स और ट्रॉफी मतलब मिली है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा मैं नीरू मैम से ही बात करने की, और थोड़ा आगे चलते हैं, नीरू मैम आगे ही मिलेंगे हमें। तो आपने देख लिया, सभी से बात करा दी जो यहाँ पर पार्टिसिपेट थे या फिर जो पीछे पार्टिसिपेट किया। मैडम कितना हौसला कहाँ से मिलता पहले तो बता दो। सर हौसला सिर्फ एक ही मैम है, दैट इज़ अ बिहाइंड माई सेल्फ, दैट इज़ माई फैमिली, माई इन लॉ फैमिली, माई फैमिली, एंड द मेन थिंग इज दैट द पर्सन संदीप शर्मा सर। जी जी, वो पर्सन मुझे हर तरह से सपोर्ट करता है, फाइनेंशली हर तरीके से, कि मैं कहती हूँ कि एक वो ऐसा आदमी आया मेरी लाइफ में, शायद वो मेरी सारी ही जितनी मेरा फ्यूचर आने वाला है उसको बेस्ट करने वाला है, क्योंकि वो एक
सेट कर देगा कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, उनका आदर कैसे करना चाहिए, उनके सपनों की कदर कैसे करनी चाहिए। तो मैम ये जो आज का ऑडिशन टाइम था, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा वो कब होगा? सर इसके बाद करनाल ऑडिशन है हमारे, फिर उसके बाद ही अम्बाला ऑडिशन है, दिल्ली ऑडिशन है, ये हमारे प्लान अप ऑडिशन है। ऑनलाइन ऑडिशन भी चल रहे हैं, इसके बाद फिनाले होगा पानीपत में होगा, ये गारंटी है मेरी, पानीपत में ऑर्गेनाइज करेंगे जी। पानीपत में ऑर्गेनाइज होगा नियर अबाउट अप्रैल, मुझे टाइम चाहिए 2-3 मंथ्स, क्योंकि बड़ा लेवल का प्रोग्राम है। हाँ मैं मानती हूँ कि इसको प्रोफेशनल नहीं है, बट बड़े लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं अगर वो आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन अस और आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, सिर्फ इसी काम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरू मैडम, जो इस जो कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर, जो ये प्रोग्राम किया गया है, इसके सारा प्रोग्राम मैडम ने किया गया है। तो ऐसे ही हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और हर प्रकार की जानकारी, आप किसानों से रिलेटेड जानकारी हो या शहर में कुछ किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सारी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। सब तक आप सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।